नमस्कार, मैं हूं सैफ खान और आप देख रहे हैं एचएन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की एक खास खबर पर। वसई विरार मीरा भाईंदर आयुक्तालय अंतर्गत नालासुपारा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विलास सूपे के निर्देश पर पुलिस निरीक्षक राहुल सोनावने के मार्गदर्शन पर नालासुपारा पुलिस ने सचिन गाला नाम के महाठक को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आपको बता दें कि सचिन गाला 7 महीने से फरार चल रहा था। सचिन गाला पर सस्ते फ्लैट दिलवाने के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। आपको बता दें कि मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय के पुलिस आयुक्त मधुकर पांडे के निर्देश पर क्राइम ब्रांच और पुलिस टीम सस्ते फ्लैट दिलाने के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वालों पर नकेल कस रही है। वहीं नालासुपारा पुलिस स्टेशन में दर्ज सस्ते फ्लैट दिलाने के नाम पर 1.5 करोड़ की ठगी करने वाला आलम चौधरी अभी भी नालासुपारा पुलिस की गिरफ्त से दूर है। वहीं नालासुपारा पुलिस आगे की जांच कर रही है। नालासुपारा पुलिस स्टेशन में सचिन गाला के खिलाफ आईपीसी 420 के तहत मामला दर्ज था। वो बहुत दिनों से इस केस में वांटेड चल रहे थे। इसमें हकीकत ऐसा है कि ये आशापुरा रियलिटी नाम का एक फर्म चलाते थे, उसमें वो एजेंट का काम करते, लोगों को फ्लैट देने, खरीद के और बेचने देने का काम करते थे। हमारे कंप्लेनेंट को उन्होंने फ्लैट देखा, उसके बदले में 5,65,000 उन्होंने अपने अकाउंट में लिया। उसके बाद उन्होंने ना फ्लैट खरीद के दिया ना वो पैसे रिटर्न किए, इस वजह से वो FIR रजिस्टर्ड हुआ। इसमें FIR के रजिस्टर्ड तब्दीश में ऐसे पता चला कि कंप्लेनेंट के इनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया है। फिर बाद में तब्दीश में हमने उसको तलाश करने की कोशिश कर रहे थे, तो कल ये हमको एक गुप्त सूचना से हमने सचिन गाला को कल अरेस्ट किया है। आज उसको कोर्ट के सामने पेश किया, तो उसको सोमवार तक का पुलिस कस्टडी रिमांड दिया है। हम लोगों से ये आह्वान करते हैं कि सचिन गाला जो आशापुरा रियलिटी कि इन्होंने अगर आपको पैसे देने फ्लैट देने के बहाने से पैसा लिया है और पैसा भी दिया नहीं है और फ्लैट भी दिया नहीं, ऐसे लोगों को आह्वान करते हैं कि पुलिस स्टेशन में आके उनकी कंप्लेंट रजिस्टर करें।